वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ये छोटा सा अनबॉक्सिंग आपके सामने करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने इस पैकेज के अंदर 3 हाफ पैंट मंगवाए थे मेरे लिए। दोस्तों, ये मुझे दिखने पर तो बहुत अच्छा लग रहा था स्नैपडील के साइड में, लेकिन दोस्तों हम लोग आपके सामने देखने वाले हैं इसके अंदर कैसा प्रोडक्ट मिलता है। तो चलिए दोस्तों, देना कर देते अपना अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, मैं इसको पहनने के बाद भी दिखा दूंगा ये कैसे दिखता है मेरे ऊपर, जिससे आप लोगों को आइडिया आएगा कि रियल प्रोडक्ट कैसा है। तो दोस्तों, फटाफट कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग शुरू। ये रहा हमारा पैकेज और हम इसके अनबॉक्सिंग करेंगे। सबसे पहले इसको घुमा के दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं से ये पहले से अनबॉक्स ना हो। देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इसको पहले घुमा के देख लेते हैं, किसी ने पैकेज खोल लिया हो और हमारे साथ चीट कर रहा हो तो हम लोग देख लेते हैं सभी जगह से। और हाँ, इधर कहीं पे भी छेद वेद वो सब नहीं है और किसी ने काटा भी नहीं है। इधर से सील पैक है, वो देखो पूरा। इधर से हम लोग ध्यान से काटेंगे जिससे हमारा पैकेज भी ना कटे। और ये रहा हमारा पैकेज, ये रहा हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट। दोस्तों, ये कलर तो दिखने में बहुत शानदार दिख रहा है, लेकिन हम लोग देखेंगे इसका क्वालिटी कैसा है। इसको काट के खोल लूँ और प्रोडक्ट को बाहर निकालूँ। ये हमारा पैकेज खुल चुका है, एक पीला वाला, एक काला वाला और एक ग्रे वाला। ग्रे वाला जो दोस्तों, ये एकदम अच्छा है। तो दोस्तों, एक्चुअल प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दिखता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे इसका जो रबड़ है ये बहुत मोटा है और स्ट्रेची, मतलब इसमें खींचने की क्षमता भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, हम लोग इसका क्वालिटी भी देख लेते हैं कैसा फैब्रिक है। ये कुछ सॉफ्ट मटेरियल का है, जैसे कुछ कपड़ा हो, टी शर्ट वगैरह का। देखने पर तो ऐसा लग रहा था ये बहुत मोटा है, पर एक्चुअल में थोड़ा सा पतला है। इसको पतला तो नहीं कह सकते, इसको ये ना मोटा ना पतला, ये मीडियम साइज है। तो इसको रख देते हैं हम साइड। अब आता है काला वाला पैंट। ये है हमारा पैंट, ये भी सेम इस ग्रे वाले की तरह ही है। इधर आपको दिखा देता हूँ कैसे। ये देखिए दोस्तों, ये भी कुछ ऐसे ही दिखता है। इधर लेफ्ट वाले में कुछ बना है, इसमें भी लेफ्ट वाले में कुछ बना हुआ है। इधर कुछ अलग लिखा है, इधर कुछ अलग लिखा है, और इधर 2 लिखा है, इधर 5 लिखा है। तो दोनों को रखते हैं साइड में। ये सेम क्वालिटी, तो दोस्तों ये सेम क्वालिटी का, मैं देखता हूँ ये सेम क्वालिटी का है कि नहीं है। सेम क्वालिटी का ही है, बस कलर का डिफरेंस है, इन दोनों में क्वालिटी वगैरह सेम है। अब देख लेते हैं तीसरा वाला जो कि येलो कलर का है। ये रहा हमारा पैंट, ये येलो कलर का है और इसमें लिखा है 6 फनी लिखा है और इधर 6 लिखा है। और ये पिंक कलर का है, पिंक नहीं सॉरी, वो क्या बोलते हैं, येलो कलर का है। और मैं अभी एक इसमें से लूंगा और देखूंगा ये भी सेम क्वालिटी का है या फिर नहीं है। हाँ तो दोस्तों, ये भी सेम क्वालिटी का ही है। ये तीनों सेम क्वालिटी का है, एक ग्रे, एक काला और एक येलो, ये तीनों सेम क्वालिटी का है, पर कलर का डिफरेंसेस तीनों में। दोस्तों, ये फैब्रिक कुछ ज़्यादा मोटा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं है, कुछ इस तरीके का दिखता है। मैं आप सभी को जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ तो दोस्तों, मैं इन तीनों के रुपीज़ बता देता हूँ, ये मुझे 549 रुपये में मिले। तो दोस्तों, आप सभी को ये तीनों पैंट अगर अच्छे लगे होंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, इन तीनों को मैं पहनूंगा और आप सभी को दिखाऊंगा ये कैसा दिखता है मेरे ऊपर। तो सबसे पहले येलो वाला आता है, पहनना मत दिखाना।
तो दोस्तों येलो वाला मेरे ऊपर कुछ ऐसे दिखता है, मैं आप सभी को चारों तरफ घूम के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ बड़ा सा इसका है 10 से 12 साल के लिए, और मैं सिर्फ 9 साल का हूँ, इसीलिए थोड़ा सा लूज लग रहा होगा। आप अगर 9 से 10 साल के हैं तो आप सभी को ये पैंट फिट आएगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को दूसरा वाला कलर पैंट पहन के दिखा देता हूँ, वो कैसा लगता है मेरे ऊपर। अब मैं पहनूंगा ब्लैक वाला, और ये ब्लैक वाला मेरे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, इस टी शर्ट के साथ ये बहुत अच्छा मैच हुआ है। तो दोस्तों मैं आप सभी को गोल गोल घूम के दिखा देता हूँ ये कैसा लगता है। मैं इसको भी घूम के आप सभी को दिखा देता हूँ ये कैसा दिखता है। तो दोस्तों ये था कुछ मजेदार सा अनबॉक्सिंग, मैं छोटा सा बच्चों पर मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों इस बात में लाइक और सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के